Hey everyone, welcome to my YouTube channel Bankers Avenue and my name is Preeti Tiwari. In this video, I am going to tell you how to solve mains level puzzle for all banking exams. So stay tuned till the end of this video. Let's start the video. तो इसमें तो हो नहीं पाएगा. हिंदी मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर लगा दिया, कहाँ से रीड कर लीजिए. समझाना पड़ेगा, ठीक है. समझाते हैं. देखो, मेंस लेवल पजल है तो हमें कम से कम 3 पॉसिबिलिटीज तो बनानी पड़ती ही है, 3-4 जितनी भी बनानी पड़े. तो मेंस लेवल पजल में पॉसिबिलिटीज बनती हैं, अच्छी खासी बनती हैं, ठीक है. बनती है और केयरफुली रीडिंग बहुत जरूरी है, ठीक है. रीड द स्टेटमेंट केयरफुली. जो भी स्टेटमेंट पढ़ने हैं ध्यान से पढ़ना है, ठीक है. तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर एक एक करके हम समझाएंगे. देखो, 21 persons working in a company at different designations. कितने हैं total person? 21 है. The designation are in decreasing order. Decreasing order में है managing director, finance officer, manager, team lead, analyst and trainee. It is known that in any post the number of persons posted was one more than the number of persons posted in the immediate senior post. For example, if 3 persons works as an analyst, then 4 persons work as a trainee. अच्छा, देखो पहले तो मैं यही क्लियर कर देती हूँ, ठीक ना. इसमें देखो, इसमें समझा रही हूँ, ठीक है. टोटल कितने पर्सन है हमारे पास? 21, ठीक है. ये बोल रहे हैं कि ना, अगर फॉर एग्जाम्पल क्या बोला है, इट इज नोन दैट एनी that in any post the number of person posted was one more than number of person posted in immediate senior post. अच्छा, देखो total 21 है. जैसे कि एक example दे देते हैं, MD है और finance officer है, ठीक है. फिर क्या है, manager, team lead, ठीक है, ऐसे हैं, ठीक है. तो ये बोल रहे हैं अगर MD में 2 person काम कर रहे हैं तो इसके इमीडिएट जो जूनियर है ना वो उसमें 3 करेंगे. यही लिखा है कि इफ इट इज नोन दैट इन एनी पोस्ट द नंबर ऑफ पर्सन पोस्टेड वाज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन पोस्टेड इन इमीडिएट सीनियर पोस्ट. मतलब इसके सीनियर पोस्ट में जितने भी नंबर होंगे ना, मतलब जितने भी पोस्ट पोस्टेड होंगे पर्सन, उसमें जो जूनियर वाले में होंगे उसमें प्लस 1 करना है, ठीक है. फिर ऐसे ही इसमें 4 हो जाएंगे, इसमें प्लस 1, फिर इसमें 5 हो जाएंगे, फिर इसमें 6 पर्सन हो जाएंगे. ऐसे करना है, समझ आ रहा है आपको. जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि एनालिस्ट में अगर क्या है, एनालिस्ट और उसके बाद ट्रेनी है ना, तो अगर इसमें 3 पर्सन काम कर रहे हैं तो इसके इमीडिएट जूनियर में 4 करेंगे, क्योंकि ये बोला गया है उन्होंने कि जो ये पोस्ट है और जो इसके इमीडिएट सीनियर पोस्ट है ना, तो इस पोस्ट में प्लस 1 बढ़ते जाएंगे, फिर इसके जो जूनियर होंगे उसमें 1 बढ़ जाएंगे, 5 हो गए, फिर 6 हो गए, फिर 7 हो गए, ठीक है. डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो पोस्ट है ना, पोस्ट कैसे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पर जो नंबर होंगे ना हमारे, नंबर ऑफ पर्सन, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, ठीक है. इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे कि सीनियर वाले में 2 हैं तो उसके जूनियर वाले में 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है, 3. फिर उसके जूनियर वाले में प्लस 1, 4. फिर उसके जूनियर वाले में प्लस 1, 4 प्लस 1, 5. समझ रहे हो, ठीक है. तो देखो, हमें ये तो पता है कि टोटल कितने पर्सन है हमारे पास, 21 पर्सन है. और हमें इन्होंने ये भी बता दिया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर चल रहे हैं, अगर इसमें 2 हैं तो इसमें 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6. देखो, तो हम ये देख सकते हैं कि किसमें कितने पर्सन होंगे. कैसे बताते हैं, MD, फाइनेंस ऑफिसर, मैनेजर, टीम लीड, मैनेजर,
टीम लीड, ठीक है, और क्या है एनालिस्ट और ट्रेनी, ठीक है, एनालिस्ट और ट्रेनी, तो ठीक है। हमें पता है नंबर्स जो होंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। सपोज अगर हमने इसमें 2 पर्सन ले लिए तो फिर हमें इसमें 3 लेना पड़ेगा, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7। कैसे? अभी मैंने समझाया, इमीडिएट जूनियर वाले में प्लस 1 ऐड होता जाएगा, इसमें प्लस 1 ऐड हुआ, फिर 3+1 4, 4+1 5, 5+1 6, फिर 6+1 7, ठीक है। क्या ये टोटल 21 बन रहे हैं? एक बार चेक करते हैं। 3+2 5, 5+4 9, 9+5 14, 14+6 20, और 27, 27% बन रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबल है ये वाला इंक्रीजिंग ऑर्डर? नहीं। तो ठीक है, अब 1 से देखते हैं, अगर इसमें 1% हुआ तो इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5 और इसमें 6। अब इसको चेक करते हैं, 21 है, 2+1 3, 3+3 6, +4 10 15, 21। इसका मतलब इस अरेंजमेंट में बैठेंगे पर्सन। इसमें 1% होगा, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6। हो गया, इतना तो ये हमने सॉल्व कर लिया किसमें कितने पर्सन बैठेंगे, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ दीज हिंट्स। जो हिंट इन्होंने हमें दिए थे, इस हिंट से हमें इतना पता चल गया, ठीक है, आया समझ? उन्होंने जो वो इमीडिएट सीनियर वाली लाइन लिखी है ना, तो ये वही लाइन है कि मतलब इमीडिएट सीनियर वाले जो पर्सन है ना उसमें 1 कम है। इसका मतलब क्या हुआ? जूनियर वाले में प्लस 1 ऐड होता जाएगा, +1+1, इतना क्लियर हो गया होगा, है ना? ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट अब रीड करते हैं, फिर बनाएंगे। A is immediate senior to F. Immediate senior to F है, ठीक है। E works as a team lead and is immediate junior to H. C and G work at same post and were senior to L. P is senior to N and junior to F. B and Q work at same post but not with R. J and O work at same post but does not work below the designation of team lead. M is senior to T, who is junior to I. H does not work along with A and F. K is immediate senior to O. Z is junior to R, who is junior to E. R does not work along with L. N and R work at same post. D is senior to M and I, who does not work along with E. I is senior to O, who does not work along with M. ठीक है, देखो, बनाते हैं पहले तो इसमें MD, फाइनेंस ऑफिसर, मैनेजर, टीम लीड, एनालिस्ट और ट्रेनी, ठीक है। कंडीशन ये बन जाएगी हमारी, ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 बन जाएगी, ठीक है, और ये वाली पॉसिबिलिटी नंबर 2, MD, ठीक है। अब इसमें हमें नंबर ऑफ पर्सन भी पता है कितने, किसमें, तो हम लिख देते हैं, ठीक है, दिख रहा है ना? अच्छा, ब्लर है, सॉरी, ये अभी तक ब्लर ही था क्या? ठीक है, अब क्लियर है ना? हाँ, देखो, तो इतना हमें पता है, ये पॉसिबिलिटी नंबर 1, ये पॉसिबिलिटी नंबर 2। तो जो जो हमें इन्फॉर्मेशन पता है वो लिख देते हैं। देखो क्या बोला, ईव जो है टीम लीड में है और इमीडिएट जूनियर है एच से, तो ई यहाँ आ जाएगा और एच से जूनियर है तो एच यहाँ आ जाएगा और ई यहाँ, एच यहाँ, ठीक है। चलो, और क्या बोला था, ई से रिलेटेड देखते हैं इन्फॉर्मेशन कहाँ है। जे एंड ओ, एम एस सीनियर टू ई। अच्छा हाँ, ये देखो, ये फिफ्थ लास्ट लाइन में देखो, जेड इज जूनियर टू आर, हु इज जूनियर टू ई, मतलब आर जो है ई से जूनियर है तो आर यहाँ ही आ सकता है और जेड आर से जूनियर है तो जेड यहाँ, सेम यहाँ पर। इसके सेकंड ये थर्ड लाइन में लिखा, देखो एन और आर जो है ना सेम पोस्ट पे है, तो ठीक है, एन यहाँ आ जाएगा, एन यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इतना पता लग गया हमें, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे ना रफ वर्क कर लेंगे, ये मैंने रफ के लिए रखा, ठीक है, रफ। देखो अब क्या बोला है, ई इज इमीडिएट सीनियर टू एफ, ठीक है, ई जो है टीम लीड एंड इज इमीडिएट जूनियर टू एच,
सी एंड जी जो है ना सेम पोस्ट पर है और एल से सीनियर है, तो ठीक है सी और जी जहाँ भी है सेम पोस्ट में, ऐसे कर दिया मैंने, और एल से सीनियर है जहाँ पर भी है एल से सीनियर है। पी सीनियर टू एन एंड जूनियर टू एफ, पी जो है ना एन से सीनियर है और एफ से जूनियर है, ठीक है। बी एंड क्यू, बी वी एंड क्यू वर्क एट सेम पोस्ट बट नॉट विद आर। अच्छा बी वी क्यू सेम पोस्ट पर है पर आर के साथ नहीं, ओके। बी वी क्यू सेम पोस्ट पर है और आर के साथ नहीं, ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, जी एंड ओ सेम पोस्ट पर है बट नॉट वर्क बिलो द डेजिग्नेशन ऑफ टीम लीड। अच्छा जे और ओ जो है ना मतलब ऊपर ही हो सकते हैं, टीम लीड के नीचे नहीं है, ठीक है। एम इज सीनियर टू टी हु इज जूनियर टू आई, तो ठीक है एम इज सीनियर टू टी, टी जो कि आई से जूनियर है, टी जो कि आई से जूनियर है और ये से सीनियर है, ठीक है ये आई है, ठीक है दिख रहा है ना। एच डज नॉट वर्क अलॉन्ग विद ए एंड एफ, तो एच जो है ना ए और एफ के साथ नहीं है, तो ठीक है। के इज इमीजिएट सीनियर टू ओ, ओके के जो है इमीजिएट सीनियर है ओ से, ये पता है हमें। और जेड इज जूनियर टू आर हु इज जूनियर टू ई, ये तो हमने कर दिया। आर जो है ना एल के साथ भी नहीं है, आर जो है एल के साथ नहीं है, तो ठीक है आर एल के साथ नहीं है, ये देखो आर इनके साथ भी नहीं है। और डी सीनियर टू एम एंड आई, अच्छा डी जो है ना सीनियर है किससे, एम और आई से, डी जो है एम और आई से सीनियर है, ये एक बॉक्स बन गया हमारा, ठीक है। और आई हु डज नॉट वर्क अलॉन्ग विद ई, आई जो कि ई के साथ काम नहीं करता। आई सीनियर टू ओ, अच्छा आई जो है ना ओ से सीनियर है, आई जो है ना ओ से सीनियर है जहाँ भी, ठीक है। ओ हु डज नॉट वर्क अलॉन्ग विद एम, अच्छा ओ एम के साथ काम नहीं करता, देखो ये बन गया हमारा ये बॉक्स, ठीक है। कंडीशंस ना हमेशा शॉर्ट में बनाऊं ताकि आपको ये हवा ना लगे कि बहुत ज़्यादा, ठीक है ठीक है। यहाँ से देखते हैं, देखो ए इज इमीजिएट सीनियर टू एफ, ए जो है ना एफ से इमीजिएट सीनियर है, और देखो एच के साथ नहीं है, ए और एफ एच के साथ नहीं आएंगे, तो देखो मतलब ए और एफ यहाँ तो आ नहीं सकते, ए और एफ है ना, तो एक दो कंडीशन बची ए और एफ के लिए कि ए और जो ए जो है ना इमीजिएट सीनियर है एफ से, तो ए और एफ यहाँ तो आ नहीं सकते क्योंकि एच के साथ नहीं है, ये देखो ये कंडीशन है ना एच जो है ए और एफ के साथ नहीं है, तो ए इज इमीजिएट सीनियर टू एफ या तो फिर ऐसे हो जा सकता है या तो यहाँ रख सकते हैं ए इज इमीजिएट सीनियर टू एफ, ठीक है। अब देखते हैं एफ से और कुछ है हमारे पास, हाँ ये देखो एफ के नीचे जो है ना पी आना चाहिए, एफ के नीचे पी आना चाहिए क्योंकि एफ जो है ना पी से सीनियर है, तो क्या ये कंडीशन हम रख सकते हैं यहाँ पे कि ए इज इमीजिएट सीनियर टू एफ वाली, क्योंकि P तो हम सेट ही नहीं कर पाएंगे, फिर हम P नहीं सेट कर पाएंगे, इसका मतलब A की कंडीशन हुई फिर तो A और F के लिए, A और F के लिए। और अब हम इसमें ऐसे टिक लगा दिया कि अब इसमें और कोई पर्सन नहीं बैठेगा, ठीक है इसमें ऐसे टिक कर दिया। चल अब ये वाली कंडीशन तो खत्म, ठीक है ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं, आगे क्या कह सकते हैं हम, एक ये कंडीशन हम रख सकते हैं बी वी क्यू वाली, बी वी क्यू वाली रख सकते हैं कि बी वी क्यू जो है ना आर के साथ नहीं है, तो देखो बी वी क्यू यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ तो दो पर्सन ही बैठ सकते हैं, बी वी क्यू यहाँ भी नहीं आ सकते क्योंकि तीन ही पर्सन बैठ सकते हैं, बी वी क्यू यहाँ आ सकते हैं और आर के साथ नहीं है, यहाँ भी नहीं आ सकते, मतलब दो कंडीशन है, या तो यहाँ आ सकते हैं या तो यहाँ आ सकते हैं, ठीक है दो ही बच रहे हैं ना, तो दो कंडीशन है तो कर देते हैं, एक जगह हम बी वी क्यू को यहाँ रख देते हैं और एक जगह हम बी वी क्यू को यहाँ रख देते हैं। अब इसमें चार पर्सन हो चुके हैं तो इसमें और कोई नहीं है, ठीक है तो बी वी क्यू वाली कंडीशन खत्म होगी हमारी, ठीक है। चलो और क्या बोला हमें, अच्छा ई वो क्या बोला था, एक टीम लीड वाली एक कंडीशन थी ना, देखते हैं उसे। जे और ओ जो है ना सेम पोस्ट पर है, अच्छा जे और ओ सेम पोस्ट पर है, तो हम ऐसे कर सकते हैं जे और ओ सेम पोस्ट पर है, के जो है इमीडिएट सीनियर था ना उसे, तो जे और ओ सेम पोस्ट पर है बट डज नॉट वर्क बिलो टीम लीड, मतलब जे और ओ यहाँ नहीं आ सकते, जे और ओ यहाँ आ सकते हैं, और जे और ओ यहाँ आएंगे तो के यहाँ आएगा हमारा, ये कंडीशन हो सकती है, हो सकती है,
जी और वो यहाँ आ सकते हैं तो के यहाँ आ जाएगा हमारा, है ना। और के से देखते हैं कुछ है या जे से, ओ एम के साथ नहीं आएगा, ये है ना हमारे पास एक कंडीशन। अच्छा, ये देखो एफ और एन वाली देखते हैं। एफ के नीचे जो है ना क्या बोला था, पी सीनियर टू एन है ना, एन जूनियर टू एफ। पी जो है ना एफ से जूनियर है, ठीक है, और पी से सीनियर है, मतलब पी यहाँ ही कहीं बैठेगा। इसमें भी देखो, इस वाले में देखो एन से सीनियर है, एफ से जूनियर है, तो पी के लिए यही जगह बच रही है इसमें, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी पर्सन हो चुके हैं कंप्लीट हमारे, है ना। तो पी को यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। और इसमें देखो पी यहाँ आ सकते हैं और या तो फिर यहाँ आ सकते हैं, है ना। पी दो जगह आ सकते हैं, यहाँ पे आ सकता है, मतलब पी यहाँ या तो फिर यहाँ। तो एक कंडीशन ऐसा ही सेम बना लेते हैं और क्या करेंगे, ठीक है। एम डी एफ ओ टीम लीड एनालिस्ट और ट्रेनी, है। 1 2 3 4 क्या नहीं बनाया मैंने, मैनेजर, ओहो मैनेजर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ टीम लीड, यहाँ एनालिस्ट और यहाँ ट्रेनी, ठीक है, दिख रहा है ना। तो ये सेम कंडीशन बना रही हूँ मैं यहाँ पे, ए एफ एच ई आर एन जेड बी वी क्यू, यहाँ टिक लगा दिया। तो पी के लिए ये तो या तो ये जगह है या तो फिर ये जगह है हमारे पास, ठीक है। चलो अब हम भी कौन सी कंडीशन सेट करेंगे, वो वाली जे और ओ वाली, और जे और ओ के इमीडिएट सीनियर कौन है, के है ना। के से एक बार मैं रीड करती हूँ दोबारा। ए इमीडिएट सीनियर टू एफ, ई वर्क्स एज टीम लीड, सी एंड जी जो है ना सेम पोस्ट पर है, और एल से सीनियर है। अच्छा, एंड वी एंड क्यू बी वी क्यू, ठीक है। जे और ओ जो है ना, एम इज सीनियर टू डी, हु इज जूनियर टू आई, एच जो है ये के साथ नहीं है। के इज इमीडिएट सीनियर टू ओ, जेड इज जूनियर टू आर, आर डज नॉट वर्क अलॉन्ग विद एल, डी सीनियर टू एम एंड आई, ओ एम के साथ नहीं है और आई ई के साथ नहीं है, ठीक है। देखो क्या बोल रहे थे, जे और ओ जो है ना, जे और ओ को सही हम देखते हैं। जे और ओ जो है सेम पोस्ट पर है, टीम लीड के नीचे नहीं है, तो जे और ओ अब यहाँ भी नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे तीन ही पर्सन पॉसिबल है, तो यहाँ तो चार हो जाएंगे और ना ही ऊपर आ सकते हैं। तो जे और ओ के लिए यही जगह बच रही है यहाँ पे, सेम इसके लिए जे और ओ यहाँ नहीं आ सकते। देखो आ सकते हैं, ना ही यहाँ आ सकते ना ही आ सकते, इसका मतलब ये कंडीशन ही गलत होगी हमारी। नीचे तो आ ही नहीं सकते क्योंकि वो टीम लीड के नीचे है ही नहीं है, उनका डेजिग्नेशन जो है मैनेजर हो सकते हैं, फाइनेंस ऑफिसर या तो एमडी, ठीक है। इसमें देखो जे और ओ यहाँ तो के हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जे और ओ यहाँ तो फिर के हमारा यहाँ आ जाएगा, है ना। दो कंडीशन बन रही है, मतलब जे और ओ के इमीडिएट सीनियर है के, मतलब ओ जो है ना, के जो है इमीडिएट सीनियर है ओ से, ओ तो ये वाली कंडीशन खत्म होगी हमारी, ठीक है। और देखो इस वाले में हम ये भी सेट कर सकते हैं, आई जो है ना सीनियर है ओ से, तो आई सीनियर है ओ से, ठीक है, तो आई यहाँ आ गया हमारा। अच्छा एक कंडीशन ये देखो, डी जो था ना एम और आई से सीनियर था, तो डी एम और आई से सीनियर था तो कहाँ डी रखेंगे, डी कहाँ रखेंगे, यहाँ तो कोई भी नहीं आ सकता, यहाँ तो टिक लग चुका है, इसका मतलब अब ये भी गलत होगी क्योंकि डी तो हमें सीनियर चाहिए ना। मान लो एम अगर हम कहीं सेट भी कर सकते हैं, पर आई से सीनियर डी चाहिए, मतलब डी की प्लेस यहाँ ही होनी चाहिए, कंडीशन गलत, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें ये जे ओ के वाली, ये वाली भी रखनी है ना, तो जे ओ और यहाँ के अगर रख दिया तो देखो जे और ओ इसमें यहाँ आ सकता है, या तो दो प्लेस यहाँ इनके लिए यहाँ आ सकता है। अगर जे और ओ को यहाँ रखेंगे तो के को यहाँ रखेंगे, के को यहाँ रखेंगे, तो ओ तो यहाँ आया, फिर से हमें वही कंडीशन अप्लाई करनी है। आई तो सीनियर है ना उसे, कहाँ जाएगा आई, आई के लिए तो जगह बची नहीं। जे और ओ के लिए देखो यहाँ कंडीशन है मैनेजर वाले में या तो टीम लीड में। जे और ओ को अगर मैंने यहाँ पे रखा तो हम के को यहाँ रखेंगे क्योंकि के जो है इमीडिएट सीनियर है ओ से,
तो आई कहाँ जाएगा, आई के लिए तो जगह ही नहीं बच रही, इसका मतलब यहाँ नहीं आ सकते। जे यहाँ, ओ यहाँ, और इसी के साथ यहाँ पे कंप्लीट हो गए पर्सन, यहाँ के, और अब आई के लिए कौन सी जगह बची है, यहाँ, ठीक है, और ये कंप्लीट हो गया। विजिबल है ना? अच्छा, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना? 2 मिनट देखते हैं। पर देखो आई से सीनियर हो है ओ, तो इस कंडीशन में तो यहाँ कंप्लीट हो गए थे तो यहाँ नहीं रख सकते थे। पर इसमें देखो आई जो है ना, मतलब आई यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ये भी तो है, ये भी तो डाउट होना चाहिए ना, मतलब आपके मन में आना चाहिए कि आई यहाँ ही क्यों रख दिया। आई यहाँ होना चाहिए या तो फिर यहाँ होना चाहिए, क्योंकि ओ से सीनियर है तो आई यहाँ हो सकता है या तो फिर यहाँ हो सकता है। अच्छा चलो, आई वाली कंडीशन अभी हम देखते हैं बाद में, ठीक है। और डी जो है ना, एम और आई से ऊपर है ना, सीनियर है तो ठीक है। एफ पी एन वाली कंडीशन होगी हमारे यहाँ पे, हाँ एफ पी एन वाली तो हो गई, तो ये वाली कंडीशन काट देते हैं। सी और जी वाला देखते हैं। सी और जी जो है ना, एल से सीनियर है और सेम पोस्ट पर है, एल से सीनियर है और सेम पोस्ट पर है। सी और जी देखो यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ भी नहीं आ सकते, ठीक है, बस एक ही जगह बच रही है। देखो सी और जी यहाँ क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि फोर ही पर्सन है यहाँ पे तो बैठ चुके हैं। सी और जी यहाँ भी नहीं आ सकते, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ पे सॉरी टिक क्यों लगाया, यहाँ पे तो एक पर्सन आएगा ना, तो सी और जी के लिए हमारे पास यही कंडीशन है। और यहाँ एल आ गया हमारा, क्योंकि सी और जी जो है ना एल से सीनियर है, तो ये वाली कंडीशन खत्म हमारी, ठीक है। और आर एल के साथ नहीं आ सकता तो ठीक है, ये भी हो गया। ओ जो है ना एम के साथ नहीं आएगा, देखो डी जो है ना एम से सीनियर है और आई से भी सीनियर है ना। अच्छा हाँ, अगर आई को हम यहाँ रखते हैं, देखो आई को यहाँ रखते हैं तो डी कहाँ जाएगा, डी तो हाई नहीं, डी तो कंडीशन तो खराब हो जाएगी हमारी, क्योंकि डी तो आ ही नहीं सकता, डी के लिए तो ये जगह आनी चाहिए। इसका मतलब आई कहीं ना कहीं यहाँ आएगा और डी यहाँ आएगा, ठीक है। अब एम के लिए बोल रहे हैं तो एम ओ के साथ नहीं आ सकता, यहाँ पे भी हो गए कंप्लीट, यहाँ पे भी हो गए, तो एम कहाँ आएगा, एम यहाँ कहीं आ सकता है ना, एम यहाँ आएगा या तो फिर यहाँ आएगा, ठीक है। डी एम और आई से सीनियर है, और क्या बोला इन्होंने, आई जो है ना आई के नीचे टी भी होना चाहिए, ठीक है। आई और ओ वाली कंडीशन हो गई, हो गई है ना। आई ई के साथ नहीं आ सकता, ये भी सॉरी, सो सॉरी सॉरी, ठीक है। तो क्या कहाँ थे हम, देखो ये एक कंडीशन हमें सॉल्व करनी है कि एम से सीनियर टी है, यही है ना, एम इज सीनियर टू टी, टी जो कि जूनियर है आई से, एम इज सीनियर टू टी, एम जो है सीनियर है टी से। और एम देखो एम के लिए कौन कौन सी जगह थी अभी मैंने बताई, ये या ये, और एम जो है ना टी से सीनियर है तो एम यहाँ तो आ ही नहीं सकता, एम यहाँ ही आएगा अभी कंडीशन, मतलब ये इसमें भी पर्सन कंप्लीट हो गया। और एम जो है टी से सीनियर है तो टी यहाँ आ गया हमारा, है ना, तो ये भी खत्म, तो हो गया सब कंप्लीट। पजल ए एफ जी एच के आई ई पी जे ओ आर एन सी जी एम जेड बी वी क्यू एल टी, ठीक है। इसको एक बार खुद से प्रैक्टिस करना हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी क्वारीज देन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन कर सकते हो आप, मेरा टेलीग्राम चैनल है। बैंकर्स एवेन्यू, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।